नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी दीवान। थाना सफदरगंज के अंतर्गत ग्राम केवलापुर में गायों का वध करने के मिले अवशेष। बाराबंकी के तहसील सिरोली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम केवलापुर में नाले के पास दो गाय के अज्ञात कसाईयों ने मौत की घाट उतार कर उनके मांस का व्यापार करने के लिए ले गए। सुबह होते ही ग्रामीणों ने देखा तो गाय के अवशेष मिले, जिनको देखकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर सीओ सिटी के साथ पहुंची और मौके की जांच कर गाय के अवशेष को बोरियों में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और वे अपने जनप्रतिनिधि दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा को भी मौके की जानकारी देकर आने की बात कही। विधायक ने भी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर बाराबंकी एसपी से बात की, लेकिन जनता का सवाल फिर भी बना हुआ था कि अब गाय का इस तरह वध ना हो। सीओ सिटी और दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने जनता को आश्वासन दिलाया कि गाय के अवशेष का पोस्टमार्टम होने के बाद गोवंश की हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण का हवाला देकर जनता को शांत कराया। विधायक ने सीओ सिटी से सफदरगंज एसआई और पुलिस कर्मियों के बारे में भी कहा कि आपकी पुलिस क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर जो छत बिछत तरीके से जो गाय की हत्याएं हुई हैं और इसे ग्रामीण आप देख सकते हैं कितना नाराज है और कितने लोग यहाँ इकट्ठा भी हैं। आपकी तरफ से आप उनके जनप्रतिनिधि हैं और ये जो घटना हुई है ये घटना ग्रामीणों की तरफ से बड़ा ही आक्रोशित घटना है। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पुलिस बल से मैंने कई बार सवाल पूछे लेकिन पुलिस बल से कोई सवाल मेरे जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, इसको उच्च अधिकारी ही बता सकते। तो सर, आप जनप्रतिनिधि बताइए। गोकसी की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना ग्रामीणों द्वारा मुझे सुबह दी गई, उसके क्रम में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई करके 24 घंटे में इसका निवारण किया जाए और दोषियों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाए। सर, अग्रिम कार्रवाई जैसे मान लीजिए इसी तरह से फिर हत्याएं होती हैं, पुलिस उस पर, आपने पुलिस पर भी सवाल या निशान अभी बात करते थे कि सफदरगंज थाने में कोई बहुत सारे अराजक ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो वसूली करते हैं और पत्रकारों के साथ में भी बैठते हैं, तो पत्रकारों की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि पत्रकारों के साथ में ना बैठा जाए? नहीं, पत्रकारों का विषय नहीं आया है, आपको फिर से आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। जी जी, मैंने ये कहा कि तमाम अवांछित असामाजिक लोगों के पास पुलिस के कुछ कर्मचारियों का उठना बैठना है, उनके बारे में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है, जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की संलिप्तता है तो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर।